ये WhatsApp पे एक और वीडियो है। पिछले दिनों WhatsApp के बारे में कुछ और बताया था, आज WhatsApp पे कुछ और बता रहा हूँ। तो WhatsApp हम में से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और पर्सनल कॉन्वर्सेशन के लिए WhatsApp भारत में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। WhatsApp आपका काफ़ी पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका जो WhatsApp के मैसेजेस हैं, जो आप मैसेजेस करते हैं किसी को, या फिर आपके को जो मैसेज करते हैं वो कोई और ना पढ़े। तो चूंकि WhatsApp खुद में एक ऐसा टूल है जो कि कंपनी दावा करती है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मैसेजेस कंपनी भी नहीं पढ़ पाती है, ये कंपनी का दावा होता है। बट ऐसे प्लेयर हैं जो लोग बैठे होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स बैठे हुए होते हैं, वो आपके मैसेजेस कहीं ना कहीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ छोटा सा, जो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोग इसके विक्टिम होंगे, शायद आप में से भी कोई इसका विक्टिम होगा। तो WhatsApp वेब नाम की एक चीज़ है जो आप भी यूज़ करते होंगे। अब क्या हो गया है कि WhatsApp वेब को स्टैंड अलोन बना दिया गया है, यानी अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी है तो भी इंटरनेट जब लैपटॉप में है तो लैपटॉप पे आप WhatsApp यूज़ कर पाएंगे WhatsApp वेब। इससे पहले क्या था कि अगर फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो WhatsApp वेब भी बंद हो जाता था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं WhatsApp वेब के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दरअसल ऐसा है कि WhatsApp वेब अगर एक बार किसी ने आपका एक्सेस कर लिया तो आप बार बार जा कर के चेक नहीं करते हैं कि आपका सेशन कब कब चला है WhatsApp में और कब WhatsApp यूज़ किया जा रहा है, और आपकी जानकारी के बगैर कोई दूसरा आपके WhatsApp मैसेजेस आराम से देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, और आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये रिमोटली पॉसिबल नहीं है, हालांकि कई मैलवेयर के ज़रिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये अमूमन ऐसा होता है कि जब आप किसी को फ़ोन देते हैं कुछ समय के लिए तो वो खेल हो जाता है उतने समय में, क्योंकि कई ऐसे ऐप्स हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, जो ये करते हैं कि WhatsApp का QR कोड स्कैन करते ही आपका WhatsApp अकाउंट अपने फ़ोन पे वो ले लेते हैं। अब फ़ोन पे कैसे लेते हैं, चूँकि आपको ये पता है कि एक WhatsApp अकाउंट दो फ़ोन पे काम नहीं करता, तो वो फ़ोन पे डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, उसे ब्राउज़र के ज़रिए यूज़ करते हैं। तो अब आपको बचने के लिए क्या करना है, समय समय पे आप WhatsApp की सेटिंग में जाकर WhatsApp वेब पे क्लिक करके चेक करते रहें कि आपका जो सेशन है वो आपके ही द्वारा क्रिएट किया गया हो, यानी आपका ही WhatsApp वेब कहीं और अगर यूज़ किया जा रहा है या आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पर आपको WhatsApp वेब में जाएंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा कि कौन से ब्राउज़र और कौन से लैपटॉप पे यूज़ किया जा रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन यूज़ कर रहा है। और वहाँ पे ऑप्शन होता है साइन आउट का, जैसे ही आपने वहाँ से साइन आउट किया अगर लैपटॉप में WhatsApp चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह के कई ऐप्स अभी पॉपुलर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी डार्क वेब में इस तरह के ऐप्स बहुत सारे बेचे जा रहे हैं कि वो बस इतना काम करता है कि आपके WhatsApp को किसी ना किसी तरीके से आपके WhatsApp के QR कोड को स्कैन करता है और फिर एक सेशन क्रिएट हो जाता है WhatsApp वेब का, और उसके बाद आपके जानकारी के बगैर वो WhatsApp आपका ही अकाउंट कहीं और यूज़ किया जा रहा होता है और आपको जानकारी नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, समय समय पर जाकर के WhatsApp वेब चेक करते रहें और वहाँ पर अगर कोई सेशन क्रिएटेड है जो आपने क्रिएट नहीं किया है तो तुरंत उसे लॉग आउट करें, अदरवाइज़ आपका WhatsApp की प्राइवेसी जो है या फिर जो बात कर रहे हैं किसी और के पास जा सकती है। तो ये रहा WhatsApp का जो टिप्स है छोटा सा। इसके बाद हम आपको Gmail, Facebook, Instagram इन सब के बारे में बताएंगे कि कौन आपका अकाउंट यूज़ कर रहा है बेसिकली, और ये कैसे जाने कि आपका अकाउंट और कहां कहां यूज़ किया जा रहा है। कई बार आप जानकर हैरान भी हो जाएंगे कि वाकई आपका अकाउंट कहीं कहीं और भी यूज़ किया जा रहा है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप भी बताएं कि क्या आप भी WhatsApp वेब वाले सेशन के विक्टिम रहे हैं या नहीं, या फिर आपको कुछ जानना है तो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।